तो एक्सिस की थ्योरम्स का एग्जांपल में, तो फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो, पहला एग्जांपल रिंग का, तो बनाओ जरा फॉर्मूला रजिस्टर में अंदर फिगर बनाओ रिंग। तो ये तो हमें पता है कि अगर रिंग का एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर, पहला केस है। अगर रिंग का एक्सिस यहां से पास कर रहा है, अगर रिंग का एक्सिस यहां से पास कर रहा है और सेंटर के अबाउट तो मुझे पता ही है फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आर, तो रिंग के इसके अबाउट वैल्यू क्या बनेगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से आई का फॉर्मूला होगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, यानी कि आई की वैल्यू क्या होगी, टू एम आर स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, क्यों, क्योंकि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ये तो होगा ही होगा, प्लस एम आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। तीसरा केस बनाओ कि अगर आपके पास एक रिंग है और एक्सिस क्या है, डायमीटर है, एक्सिस डायमीटर है, तो डायमीटर के अबाउट हमने क्या अभी किया था, हाफ एम आर स्क्वायर, ये मैंने कराया था डायमीटर के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर कर लिया हमने। और लास्ट केस, अगर आपके पास एक रिंग है और डायमीटर में वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, डायमीटर के अलोंग जो वैल्यू है वो इसमें कितनी है, 1/2 एम आर स्क्वायर, लेकिन मेरे को टेंजेंट के अबाउट निकालना है, टेंजेंट, ये टेंजेंट कैसे हुआ, ये डायग्राम ऐसा है, ऐसा है, ये टेंजेंट है, तो डायमीटर में क्या है, 1/2 एम आर स्क्वायर, टेंजेंट और डायमीटर आपस में पैरेलल है, तो फिर से क्या लगेगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या होगा, प्लस एम आर स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर, तो ब्रैकेट में लिख लेना ये किसके अबाउट हमने सॉल्व किया, अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है, टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे, अब आधे लोग लिखेंगे ये टेंजेंट, ये भी तो कहेंगे टेंजेंट है यार, ये भी तो ना, ये नहीं लेनी, टेंजेंट एक्चुअल में ये होती है, रिंग के साथ टेंजेंट ये रहेगी, तो आपने अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया कुछ भी, बस टेंजेंट वर्ड है, तो प्लीज आंसर क्या लिखेंगे, 3/2 एम आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। हाँ, अगर उसने ये बोला कि एक टेंजेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, फिर ये लेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, फिर ये लेंगे, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट फिगर लिखें, नेक्स्ट इज डिस्क, डिस्क, डिस्क का अगर एक्सिस यहां से पास कर रहा है फिर तो बिल्कुल क्लियर है, 1/2 एम आर स्क्वायर। अगर डिस्क ऐसी है और ये दो एक्सिस हैं, इस एक्सिस के अबाउट 1/2 एम आर स्क्वायर है और ये डिस्टेंस क्या है, आर, तो 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर, ये हमने कर लिया। अगर आपके पास एक डिस्क है और एक्सिस डायमीटर है, तो डायमीटर में भी हमने कर लिया फॉर्मूला 1/4 एम आर स्क्वायर। और लास्ट है, अगर आपके पास एक डिस्क है और डिस्क में टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, सच दैट ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना है, आर है, तो डायमीटर में तो मुझे वैल्यू पता है 1/4 एम आर स्क्वायर है, तो इसके अबाउट क्या होगी, 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, 5/4 एम आर स्क्वायर, तो टेंजेंट के अबाउट, टेंजेंट में आंसर क्या होगा, 5/4 एम आर स्क्वायर।
क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट नेक्स्ट है, एक थिन रॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन रॉड, थिन रॉड में अगर ये एक थिन रॉड है और एक्सिस कहां से पास कर रहा है? इसके सेंटर से। तो ये क्या इसका एक्सिस है। तो मास रॉड का एम है और लेंथ रॉड की एल है, तो बोलो आई का फॉर्मूला क्या रहेगा? एम एल स्क्वायर बाय 12। ठीक। दूसरा केस, अगर ये थिन रॉड है और इसके अबाउट फॉर्मूला हमें मालूम है, आई का फॉर्मूला क्या है? एम एल स्क्वायर बाय 12। तो ये लेंथ कितनी है? एल बाय 2। बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये टेंजेंट है, टेंजेंट के अबाउट वैल्यू क्या आएगी? एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, तो आई की वैल्यू क्या आएगी? एम एल स्क्वायर बाय 3। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टेंजेंट के अबाउट, रॉड के टेंजेंट के अबाउट आई का फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है टेंजेंट, ये याद ही कर लेना एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है यहां तक? तो नेक्स्ट है, इसी में अगर रॉड ऐसी है और एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये रही, मैं इसके अबाउट रोटेट करना चाहता हूं, तो बोलो आई की वैल्यू क्या होगी? ये एक्सिस है बीच में से, बोलो आई क्या होगा? ऑनलाइन ऑफलाइन जीरो, क्योंकि रॉड पे मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन इट्स एक्सिस, तो एक्सिस से उसकी दूरी क्या है? जीरो, क्योंकि ये विड्थ में तो है ही नहीं, लेंथ के ऊपर ही पड़ा हुआ है सारा मास, तो एक्सिस से दूरी बनेगी नहीं, तो आई की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी? जीरो। बनाओ डायग्राम, जीरो नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होने वाला है, सपोज ये एक रॉड है और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये एक रॉड है, रॉड की लेंथ एल है, हिंज्ड है, हिंज का मतलब यहां पर पेच लगा दिया। अब अगर ये गिर भी गई तो यहां से नहीं गिरेगी, ये फिक्स रहेगी, ये गिर जाए, ये गिर सकती है, ये ऐसे गिर सकती है, लेकिन ये पॉइंट फिक्स्ड है, इसके अबाउट रोटेशन है, तो ऑब्वियसली एक्सिस कहां से पास करेगा? फ्रॉम पॉइंट ओ। एक्सिस कहां पे होगा बताओ, कहां जाएगा, डायरेक्शन क्या होगी? बोर्ड के साथ की बोर्ड के बाहर? बाहर होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ऐसे रॉड घूम रही है तो एक्सिस बाहर की तरफ होगा, है ना? इस प्लेन में रॉड घूम रही है तो एक्सिस तो बाहर ही होगा, तो ये इसका एक्सिस होगा, ये पेन इसका एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो बताओ ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रॉड का? तो अगर एक्सिस ऐसे है, इसके अबाउट वैल्यू क्या होगी रॉड की? आई की, आई क्या होगा यहां पे? अच्छा ये बताओ, अगर आपका एक्सिस ये होता सेंटर ऑफ मास ऐसे ऐसे, तो क्या आंसर होता? एम एल स्क्वायर बाय 12। अच्छा अगर ये रॉड है, थिन रॉड है
और ये इसका एक्सिस है सेंटर में से, तो आंसर क्या है, एम एल स्क्वायर बाई 12, चाहे मैं ऐसे दिखाऊं, चाहे मैं ऐसे दिखाऊं, चाहे मैं ऐसे दिखाऊं, फर्क क्या पड़ता है, चाहे मैं ऐसे दिखाऊं तो भी एम एल स्क्वायर बाई 12, मैं ऐसे दिखाऊं तो भी एम एल स्क्वायर बाई 12। वही तो पूछ रहा हूं कि अगर रॉड ऐसे रखी है और जब ऐसे दिखाता हूं आप बोलते हो एम एल स्क्वायर बाई 12 याद है, लेकिन जब मैं एक्सिस ऐसे कर देता हूं तो आपको ये डॉट दिखता है, ये डॉट दिखता है ऐसे, फिर आप सोच नहीं पाते। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, बात एक ही है, एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक। अच्छा अब ये चीज बताओ कि अगर सपोज करो आपके पास ये जो है एम एल स्क्वायर बाई 12 है और अगर एक्सिस टेंजेंट है ऐसे तो एम एल स्क्वायर बाई 3 है, अगर मैं डायग्राम ऐसे दिखा दूं तो भी तो आंसर सेम ही है, एम एल स्क्वायर बाई 12 है, एम एल स्क्वायर बाई 3 है। अच्छा अगर मैं ऐसे दिखा दूं तो भी एम एल स्क्वायर बाई 12 है, एम एल स्क्वायर बाई 3 है और मैंने डायग्राम ऐसे दिखाया है, ये देखो ये देखो ये रॉड है, एक एक्सिस ये रहा एम एल स्क्वायर बाई 12 और ये एक्सिस टेंजेंट ही तो है इस रॉड के साथ, परपेंडिकुलर टेंजेंट ही तो है एम एल स्क्वायर बाई 3, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, एम एल स्क्वायर बाई 3। तो नोट कर लो आज के बाद अगर रॉड कोने से हिंज्ड है उस कोने पे आई का फॉर्मूला हमेशा क्या यूज करेंगे, एम एल स्क्वायर बाई 3।